संकट काल की इस परीक्षा में आप सफलता पूर्वक सफल हुए। क्यों पंडित रामा कृष्णा स्वयं को बड़ा चतुर बड़ा ज्ञानी समझते फिरते हैं ना? देखा, महाराज ने झट चुटकी बजाकर इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया। एक योग्य राजा के भीतर जिन तीन गुणों का वर्णन पंडित रामाकृष्ण ने किया था उनमें से एक योग्यता तो आपने सिद्ध कर दी। देखना यह है कि दूसरी योग्यता भी आप सिद्ध कर पाते हैं अथवा नहीं। पंडित रामाकृष्ण, आपकी दूसरी परीक्षा हम सबके समक्ष रखिए। महाराज, एक राजा के तीन गुणों में से ये जो दूसरा गुण है वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, और वो तीसरा स्तंभ है संयम, जिसकी परीक्षा मैं अब आपसे लेने वाला हूँ। और इसे क्या सिद्ध होगा? इससे महाराज की एक और योग्यता सिद्ध होगी, क्योंकि एक राजा में संयम का गुण होना अत्यंत आवश्यक होता है। यदि महाराज इस परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं तो ये सिद्ध हो जाएगा कि महाराज इस राज सिंहासन पर बैठने के योग्य हैं। तो विलंब किस बात का है, पूछिए प्रश्न। एक क्षण महाराज, नियमानुसार पंडित रामाकृष्णा को पुनः विजयनगर के संविधान की शपथ दिलानी होगी। धनी बनी जी, लाओ संविधान लाओ। हम स्वयं पंडित रामाकृष्णा को संविधान की शपथ दिलवाएंगे। पंडित रामाकृष्ण, ध्यान से हमारी बात सुनिए। इस वस्त्र के नीचे जो पुस्तक है वो संविधान नहीं है, इसलिए निश्चिंत होकर इस पर हाथ रखिए और शपथ ले लीजिए और महाराज से अत्यंत ही सरल प्रश्न पूछिए। हैं? देखिए, जब आपने संविधान की शपथ ली ही नहीं तो ये शपथ आप पर लागू नहीं होगी। बताओ महाराज को। क्या कर रहे हो पंडित रामाकृष्ण? मैं भी तो गए ना। हाँ। आप चिंतित क्यों होते हैं गुरुवर? भले ही मेरे हाथों के नीचे विजयनगर का संविधान ना हो, किंतु मेरे हृदय में तो विजयनगर का संविधान बसता है ना। छल नहीं कर सकता, ना ही संविधान से और ना महाराज से। मान जाइए। आप दोनों महानुभावों के बीच क्या विचार विमर्श हो रहा है? कुछ नहीं महाराज, ये गुरुवर भी ना मुझे धर्म और नीति के ज्ञान दे रहे थे। धन्यवाद गुरुवर, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो। महाराज, अब इससे पूर्व कि मैं आपकी अगली परीक्षा लूं और आपसे प्रश्न पूछूं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आपकी प्रजा में से यदि कोई व्यक्ति आपके समक्ष अपनी एक इच्छा प्रकट करे तो क्या आप उसकी वो इच्छा पूर्ण करेंगे? अपनी प्रजा की इच्छा पूर्ति करना एक राजा का कर्तव्य है, परंतु उस इच्छा को पूर्ण करने से पूर्व राजा को यह सुनिश्चित करना होगा कि उस इच्छा के पूर्ण होने से कहीं प्रजा या राज्य को कोई हानि तो नहीं पहुंचती। सत्य वचन। महाराज, मेरा मित्र चितरंजन मात्र एक क्षण के लिए राजा बनना चाहता है, क्या आप इसकी इच्छा पूर्ण करेंगे? क्या कह रहे हैं पंडित रामकृष्ण? अरे ऐसे कैसे किसी व्यक्ति को आप विजयनगर का राजा बना सकते हैं, भले ही वो एक क्षण के लिए क्यों ना हो? तनिक सोचिए पंडित रामकृष्ण, सोचिए। यदि राजा बनते ही उसने कोई अनुचित निर्णय ले लिया तो? गुरुवर, कोई भी मात्र एक क्षण में गलत निर्णय कैसे ले सकता है? देखिए पंडित रामकृष्ण। उचित है पंडित रामकृष्ण। महाराज, हम आपके मित्र की इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे। आइए चितरंजन जी। किंतु महाराज, ये मेरा मित्र चितरंजन नहीं है, ये तो मात्र मेरे बुलाने से भीतर आ गया था। तो फिर आपके मित्र चितरंजन कहाँ है?
प्रणाम महाराज। बताइए पंडित रामकृष्ण, कहाँ हैं आपके मित्र चित्रंजन? आपके सामने। अरे पंडित रामकृष्णा, आप कितनी भी अश्वगंधा खा लीजिए, कितने भी अनारदाने खा लीजिए, आपका कुछ नहीं हो सकता है। ये चितरंजन नहीं है, ये तो चितरंजनी है। पंडित रामकृष्णा, क्या है ये सब? महाराज मैं सत्य कह रहा हूँ, चितरंजन यही है। मूषा को हमसे दूर रखिए। हाँ, ये मूषा के समीप आते ही हमें वो होने लगती है, ये 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 खुजली। और आप पंडित रामकृष्णा, इतना बताने का कष्ट कीजिए कि आपकी परीक्षा, आपकी चुनौती के मध्य ये मूषक कहां से आ गया है? हाँ, वो गुरुजी नृत्य क्यों कर रहे हैं आप? अरे चुप रहो गधो, हम नृत्य नहीं कर रहे, वो मूषक हमसे नृत्य करवा रहा है। बस बहुत हुआ उपहास। पंडित रामकृष्ण, कृपया करके हम सबको बताएं कि आपके मित्र चितरंजन कहां हैं? यही तो है चितरंजन। ये क्या? ये चितरंजन है? हाँ, ये मूषक। हाँ महाराज, पंडित रामकृष्ण विजयनगर के राज सिंहासन का अपमान कर रहे हैं। ये एक मूषक को विजयनगर का राजा बनाना चाहते हैं। महाराज, पंडित रामकृष्ण को इस दृष्टता के लिए कठोर दंड दिया जाए। और मैंने ऐसा क्या किया? महाराज ने स्वयं ये वचन दिया है ना कि वो अपनी प्रजा की इच्छा की पूर्ति करेंगे, तो ये महिला भी इनकी प्रजा का हिस्सा है, जो चाहती है कि उनका मूषक चितरंजन मात्र एक क्षण के लिए विजयनगर का राजा बने। बोल रहे हैं आप, राजा विजयनगर की प्रजा में से किसी को बनना है, किंतु ये तो मूषक। वर, नीति कहती है कि राज्य में निवास करने वाला उस राज्य का नागरिक ही होता है, फिर चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, या कोई भी जीव जंतु हो। भले ही चितरंजन मूषक है, किंतु है तो विजयनगर की प्रजा ही ना। पंडित रामकृष्ण, आप अत्यंत ही बुद्धिमान और ज्ञानी हैं, किंतु हमें आपसे यह आशा नहीं थी। एक मूषक को एक क्षण के लिए ही सही, किंतु विजयनगर का महाराज कैसे बना सकते हैं? हम तो ये सोच रहे हैं, यदि ये मूषक राजा बन गया तो इसके लिए तो छोटा सा सिंहासन बनाना पड़ेगा, तभी तो ये मूषक आराम से बैठ पाएगा, है ना? अरे पंडित रामकृष्णा, अब आप महाराज की योग्यता की परीक्षा नहीं, अभी तुम महाराज की सहन शक्ति की परीक्षा ले रहे हैं। और ये महाराज का ही नहीं, अभी तू समस्त विजयनगर का अपमान। यही तो चुनौती है गुरुवर, यदि ये मूषक राजा बनता है तो विजयनगर का अपमान होगा।
और यदि महाराज अपने वचन को पूर्ण नहीं कर पाए तो महाराज का अपमान होगा। अब देखना यह है कि महाराज क्या निर्णय लेते हैं, और यही होगी इनके संयम की परीक्षा, जो इनके योग्यता को सिद्ध करने के तीन स्तंभों में से दूसरा स्तंभ है। अद्भुत अद्भुत पंडित रामाकृष्णा, अद्भुत, अत्यंत कठिन परीक्षा है। कहिए श्रीमान कृष्णदेव राय जी, अब कहिए क्या निर्णय लेंगे आप, है बोलिए ना है? मुझे नहीं लगता कि आप इस परीक्षा में सफल हो पाएंगे। भास्कर के बापू, और भोजन ग्रहण कीजिए ना। अम्मा देख रही हैं आप, आपके लाड प्यार ने आपके पुत्र को कितना बिगाड़ दिया है। भास्कर के बापू, पुत्र बिगड़ गया? मैं तो यहाँ हूँ, फिर शारदा किसको भोजन करवा रही है? और भोजन ग्रहण कीजिए ना भास्कर के बापू। पति जब भोजन ग्रहण करता है तो पत्नी को परमानंद की प्राप्ति मिलती है। शारदा उठो उठो, चलो चलो मेरे साथ। कहाँ कहाँ चलो? तुम्हें परमानंद की प्राप्ति करवाता हूँ, वैद्य जी के पास चलो, तुम्हारी मानसिक स्थिति खराब हो गई है। भास्कर के बापू, भास्कर के बापू, अरे एक मूषक में तुम्हें तुम्हारा पति नजर आता है। चुप कर, और कौन है तू जो हमारे घर में घुसा चला आ रहा है? अम्मा तुम भी? सच सच बताओ, सच सच बताओ, कौन सा विषैला फल खाया है तुम दोनों ने? अरे ये तो उसे, उस मूषक को भास्कर के बापू कह ही रही थी, तुम भी उसे अपना पुत्र कहने लगी, जबकि तुम्हारा पुत्र मैं हूँ। ये मूषक ही मेरा पुत्र है, हाँ, और हमारे पति। तुम शर्मा क्या रही हो? ये चुचु 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 तुम्हारा पुत्र कैसे हो सकता है, और तुम्हारा पति भी कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता, जब तू एक चुचु 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 मूषक को विजयनगर का राजा बना सकता है, तो मैं चुचु 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 एक मूषक को अपना पुत्र और इसका पति क्यों नहीं बना सकती? और हाँ, ये मूषक खाता भी नहीं है और तंग भी नहीं करता, और हाँ, आपकी तरह जब देखो अपनी बुद्धि भी नहीं लगाता, और हाँ, अब तो ये मूषक ही मेरी वृद्ध अवस्था का सहारा है। गया गया अम्मा, तुम्हारी वृद्धावस्था का सहारा तुम्हें छोड़कर भाग गया, अब क्या होगा तुम्हारा? देखो मुझे ज्ञात है तुम दोनों क्या कहना चाहती हो। ज्ञात है तो क्यों कर रहा है ऐसा, क्यों ले रहा है महाराज की परीक्षा, क्यों रख रहा है उनके समक्ष ऐसी चुनौती? मेरी भोली भाली अम्मा, तुम क्यों इतना चिंतित होती हो? वो महाराज है, उन्हें हर चुनौती का सामना करना आता है, हर परीक्षा में सफल होना आता है। अम्मा, महाराज की योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया है, उस प्रश्न चिन्ह को पूर्ण विराम में तो बदलना होगा ना, तुम देखना कैसे महाराज उस परीक्षा में सफल होकर दिखाएंगे। अब बताओ, चू 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 तुम्हारा पुत्र या मैं? सारे चित्र राज दरबार के चारों दिशाओं में लगा दो, जाओ शीघ्रता करो, जाओ जाओ जाओ। ये सब क्या हो रहा है महाराज? महाराज हम ना समस्या का निवारण कर रहे हैं, हम राज दरबार की चारों दिशाओं में बिल्ली के चित्र लगवा रहे हैं, जिससे भयभीत होकर मूषक आएगा ही नहीं,
और जब मूषक आएगा ही नहीं तो आप उसे राजा बनाने से बच जाएंगे, है ना? समस्या का उचित निवारण। महारानी, यदि पत्नी धर्म की दृष्टि से देखा जाए तो आपने उचित किया, परंतु यदि राजधर्म की दृष्टि से देखा जाए तो यह उचित नहीं होगा। किंतु पंडित रामकृष्णा ने जो चुनौती आपके समक्ष रखी है, क्या वो उचित है? छोटी महारानी, पंडित रामकृष्णा अपने राजधर्म का पालन कर रहे हैं। वो कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिसे महाराज या महाराज की छवि पर कोई भी आ जाए। परंतु एक मूषक को राजा बनाना, ये क्या बात हुई? छोटी महारानी, पंडित रामकृष्णा को हमारे महाराज पर पूर्ण विश्वास है, तभी तो उन्होंने इस प्रकार की चुनौती उनके समक्ष रखी है। सत्य वचन महारानी। महारानी, पंडित रामकृष्णा को हमारी योग्यता पर पूर्ण विश्वास है और हमें उनके विश्वास पर विश्वास है। और महाराज, उस चुनौती का क्या? महारानी, अब जब चुनौती सामने आ ही गई है तो उसका सामना करें, बाकी जैसी देवी मां की इच्छा। महाराज की जय! 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 मूषक 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 ये तो स्वप्न था। किंतु ये स्वप्न सत्य नहीं होना चाहिए। एक मूषक राजा कैसे बन सकता है? ये सब पंडित रामकृष्ण का किया धरा है। इस पंडित रामकृष्ण को तो हम छोड़ेंगे नहीं। क्या हुआ गुरुवर? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ पंडित रामकृष्ण, किंतु आपके कारण जो होने वाला है, यदि वो हो गया तो हम आपके साथ क्या करेंगे आप सोच भी नहीं सकते। आप विश्वास रखें। विश्वास? और आप पर? मुझ पर नहीं, महाराज पर विश्वास रखें। देखिएगा, महाराज इस परीक्षा में भी अवश्य सफल होंगे। विजयनगर के पूर्व महाराज श्री कृष्ण देव राय पधार रहे हैं। अभी समय है, अगर आप इस चुनौती को पूर्ण ना करना चाहें तो आप पीछे हट सकते हैं। जो चुनौतियों से भयभीत होकर पीछे हट जाए उसे तो राजा बनने का अधिकार वैसे भी नहीं है। क्या आपको पूर्ण विश्वास है कि आप इस परीक्षा में सफल हो पाएंगे? जी, चित्तरंजन को यहां लाया जाए। इतिहास साक्षी है कि हमने आज तक जो भी वचन दिया है उसे पूर्ण किया है। कभी विजयनगर का मस्तक झुकने नहीं दिया है, इसलिए अपने वचन की लाज रखते हुए हम आज अभी इसी क्षण पंचभूत तत्वों धरती आकाश जल वायु अग्नि को साक्षी मानकर इस मूषक चित्तरंजन को विजयनगर का महाराज घोषित करने जा रहे हैं।